हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए वेट लॉस सूप की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और ये हमारे वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद करता है। ये परफेक्ट रेसिपी है डिनर के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं हम इसको। एक हॉट पैन लेंगे, उसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच देसी घी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको, अपने चॉइस का घी कोई सा भी ले लेना। इसमें डालेंगे हम अब हाफ कप चॉप्ड वेजीज। आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हो, अपने जो आपको अवेलेबल होती है सीजनल वेजिटेबल कोई भी डालिए। मैंने डाली है गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और ब्रोकली। आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब एक चम्मच लूँगी ओट्स फ्लोर एक बाउल में, और डालूँगी दो चम्मच पानी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको साइड में रख देंगे। ये हमारे सूप में को थिक करेगा, पतला सा फील नहीं होता इससे। अब हम डालेंगे इसमें रॉक सॉल्ट टेस्ट के लिए, और डालेंगे दो चुटकी भर काली मिर्च। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे हम। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1.5 कप पानी। इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। ये बहुत ही डिलीशियस सूप बनता है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस। अब इसको बॉईल होने के बाद मैं डाल दूंगी ओट्स फ्लोर का मिक्सचर। इसको हम तकरीबन पकाएंगे। अब तो इसमें जस्ट कम आता है ना, हम इसको रिमूव कर देंगे ना, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। ये हमारा हो गया, बिल्कुल क्लीन सूप बन गया है। अब ये हम फ्लेम करेंगे बंद। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लेमन जूस। सूप हो गया है रेडी। सर्व करेंगे इसको गर्मा गर्म और गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा बना आपसे। आप अगर ओट्स फ्लोर नहीं डालते तो आप कोई भी फ्लोर इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।